दोस्तों, यूं तो बॉलीवुड में कई ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से फिल्मों को हिट बनाने में मुख्य भूमिका अदा की है। उन्हीं में से एक रहे हैं कुमार गौरव, जिनकी तस्वीरों को देखकर हर एक लड़की उन पर फिदा हो जाती थी। कुमार गौरव 80 के दशक में सुपर डुपर हिट अभिनेता रहे हैं, इसलिए तो इनकी फिल्मों को आज भी दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। फिर चाहे बात हो प्रेम कहानी फिल्म की या फिर तेरी कसम फिल्म की, इन्होंने अपने हर किरदार को बड़ी खूबसूरती से बड़े पर्दे पर उतारा है। दोस्तों, आप इनकी फिल्मों के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अभिनेता कुमार गौरव के बुढ़ापे से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इनके हालात के बारे में। बॉलीवुड में लवर बॉय के नाम से मशहूर अभिनेता कुमार गौरव का जन्म 11 जुलाई 1956 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। इनका असली नाम मनोज तुली है। बता दें कि ये बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार और शुक्ला के बेटे हैं। इन्होंने बिशप कॉन्वेंट स्कूल शिमला से पढ़ाई कंप्लीट की। कुमार गौरव ने साल 1981 की रोमांटिक फिल्म प्रेम कहानी से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा, जहां ये रातों रात सुपरस्टार बनकर उभरे, जिसके बाद कई और फिल्म निर्माताओं ने इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने का मौका दिया और कुमार गौरव लव स्टोरी, कांटे, गैंग, फूल और नाम जैसी बेहतरीन फिल्मों में जबरदस्त अभिनय करते हुए नजर आए। कांटे 2002 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, साथ ही ये फिल्म उनकी अब तक की आखिरी बॉलीवुड फिल्म भी है। अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इन्होंने नम्रता दत्त के साथ साल 1962 में अपना घर बसाया। इस शादी से इन्हें दो बेटियाँ हैं, जिनका नाम साची और सिया है। अब बात करते हैं कुमार गौरव के बुढ़ापे के हालात के बारे में। इन्होंने साल 2006 में मूक फिल्म माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट में अभिनय किया, जो उनकी अब तक की अंतिम अभिनय भूमिका है। जहां पहले ये यंग नजर आते थे, वहीं इन्होंने 65 साल की उम्र पार कर ली है। साथ ही इनके पहनावे में भी बदलाव आ गया है। जहाँ ये पहले पैंट और शर्ट में नजर आते थे, तो वहीं अब ये प्रोफेशनल ड्रेस में नजर आते हैं। आपको बता दें कि इन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया है और अब अपनी लाइफ में बिजनेसमैन के रूप में सेटल हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको कुमार गौरव की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।